गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हिरोन सूत्र के बारे में। ठीक है, यह जो हिरोन सूत्र है ना प्यारे बच्चों, यह आपको हेल्प करता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उस स्थिति में ज्ञात करने में यह फॉर्मूला आपको हेल्प करता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम हो। ठीक है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम हो, इस स्थिति में उसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो हम लोग मैथमेटिक्स में हिरोन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। आइए तो देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से हिरोन फॉर्मूला। किसी त्रिभुज की भुजाएँ क्रमशः 17 cm, 25 cm तथा 26 cm है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तीनों भुजाएं मालूम है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है। 3 sides आर गिवेन। ठीक है, जब 3 sides गिवेन हो, इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग दाव पेच सूत्र इस्तेमाल करते हैं, उसी का नाम है हिरोन्स फॉर्मूला। आइए तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे हिरोन्स फॉर्मूला। चलिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 17 cm, 25 cm तथा 26 cm है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम खींच ले प्यारे बच्चों, एक डायग्राम खींच ले। चलिए, इसका कुछ नाम भी रख दें, त्रिभुज का नाम रख दें हम लोग ABC। चलिए, अब मान लीजिए कि ये भुजा 17 cm है। ठीक है, अगला 25 cm है, मान लीजिए कि ये 25 cm हो गया। ये मान लीजिए कि 26 cm हो गया। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बड़ा वाला जो A है, बड़ा वाला जो B है, बड़ा वाला जो C है, वह त्रिभुज के कोण को सूचित करते हैं, और बड़ा वाला A के सामने छोटा वाला A लिखा जाता है, स्मॉल ए, और बड़ा वाला बी के सामने स्मॉल बी लिखा जाता है, एंड बड़ा वाला सी के सामने स्मॉल सी लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों कि ये जो कैपिटल वाला ए, बी और सी होता है, यह त्रिभुज के कोण को सूचित करते हैं, एंगल को बताते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ए, बी और सी होता है, वह त्रिभुज के एंगल को सूचित करते हैं, कोण को सूचित करते हैं। ये कोण है ना, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, इन तीनों कोणों को सूचित करते हैं। और ये जो स्मॉल वाला ए है, स्मॉल वाला बी है, स्मॉल वाला सी है, ये भुजाओं को बताते हैं, त्रिभुज की भुजाएं इससे प्रकट होती है। स्मॉल वाला ए, स्मॉल वाला बी और स्मॉल वाला जो सी लेटर होता है, उससे हम त्रिभुज की भुजाओं को सूचित करते हैं, एंड कैपिटल वाला ए, बी और जो सी होता है, उससे हम त्रिभुज के कोणों को सूचित करते हैं, एंगल्स को सूचित करते हैं। ये तो जानकारी की बात है जो कि आप लोगों को जानना ही चाहिए। और भी एक बात, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी के सामने वाला जो भुजा होता है वह स्मॉल सी होता है। ये स्मॉल सी का मतलब समझ रहे हैं, भुजा ए बी। ये स्मॉल ए का मतलब समझ रहे हैं, भुजा बी सी। और ये स्मॉल बी का मतलब समझ रहे हैं, भुजा ए सी। चलिए, तो अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, आप लोग यहां पे लिख लें, चूंकि ए का मान 26 cm कॉमा बी का मान 17 cm एंड सी का मान 25 cm। सबसे पहले हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का मान लिख लेना चाहिए। उसके बाद एस बराबर फॉर्मूला लगेगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। प्यारे बच्चों, इस एस को कहा गया है त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति कहा गया है।
त्रिभुज की अर्ध परिमिति। क्यों अर्ध परिमिति कहते हैं? देखिए अर्ध का मतलब होता है आधा और परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। अगर त्रिभुज की कोई परिमिति आपसे पूछता है प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुज की परिमिति पूछता है जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है, उसका मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उसको अगर हम जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। लेकिन उसके बाटा में जब 2 आ गया तो उसको तो हम आधा कर दिए ना, तो जब आधा कर दिए तो वो हो गया त्रिभुज का क्या चीज़, अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति, और उसको मैथ में s से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों। अब चलिए फटाफट a का बी का और सी का मान डाल देते हैं। तो a का मान है 26, ठीक है 26 लिखिए, प्लस b का मान है 17 लिखिए, प्लस c का मान है 25 लिखिए, एंड बाटा के नीचे आपका 2 है, चूँकि अर्ध परिमिति ना निकालने चले हैं। तो चलिए अब प्यारे बच्चों क्या करिएगा, जोड़िए आप, तो 7, 6, 13, 5, 18 के 8 हासिल, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 68/2, और इसको 2 से काटिएगा तो 34 बार में कट जाएगा, तो आपका 34 सेंटीमीटर जो हुआ ना वह क्या हो गया, त्रिभुज का क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्या हुआ, अर्ध परिमाप हुआ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, हीरोन साहब का दिया हुआ, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s का वैल्यू जो कि आपका 34 आया है, 34 आया है, डाल दीजिए बड़े प्यार से, s का वैल्यू 34 डाल दीजिए, फिर s का वैल्यू 34 डाल दीजिए, और a का वैल्यू तो पहले से ही आप 26 जान रहे हैं, तो यहाँ पे 26 लिख दीजिए, फिर s का मान 34 लिख दीजिए, माइनस b का वैल्यू 17 जान रहे हैं तो यहाँ पे 17 लिख दीजिए, एंड फिर s का मान 34 लिखिए, s का मान 34 लिखिए यहाँ पे 34, एंड माइनस c का वैल्यू आप देख सकेंगे 25 है बुआ, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए, है ना, यहाँ तक रूट रहेगा, फ्रेम से हम लोग बाहर हुए या नहीं, चलिए ठीक है बचा हुआ है, अब आराम से इसको सरल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए फटाफट कर लीजिए, अब तो कुछ है नहीं, ये तो 34 रहेगा ही, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो गुना, 34 में 26 घटेगा, 14 में से 6 घट के 8 हो गया, और इधर तो कैंसिल हो गया, 2 - 2 = 0, गुना 34 में 17 घटा तो 17 × 2 = 34, सीधा सीधी 17 बच जाएगा, और 34 में से 25 घटेगा प्यारे बच्चों तो 25 + 10 = 35 होता है, तो 9 बचेगा। ठीक है चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब इन संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणन फल के रूप में जब लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद ये रूट का मतलब हुआ कि 2 के पेयर में से एक को बाहर निकाल लिया जाएगा, तो 34 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 × 17, चलिए, और 1 × 17 यहाँ है, इसको एक साथ लिख दीजिए। 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 8 आ जाएगा, और 9 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3 × 3, देखिए सब अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणन खंड के रूप में उसको लिख दिया गया है। अब पेयर लगाइए, देखिए ये 17 का पेयर बन गया तो 1 × 17 बाहर हो गया, 2 का पेयर बन गया 1 × 2 बाहर हो गया, 3 का पेयर बन गया 1 × 3 बाहर हो गया, आ 1 × 2 यहाँ आ 1 × 2 यहाँ, तो ये दोनों मिलकर 2 का फिर से पेयर बना तो 1 × 2 बाहर हो गया।
अगर किसी का पेयर नहीं बनता प्यारे बच्चों तो उसको रूट में ही छोड़ देते, ठीक है। अगर किसी संख्या का पेयर नहीं बनता तो उसको रूट में ही छोड़ देते। अगर दो संख्या है, मान लीजिए ऐसा होता कि तीन का भी पेयर नहीं बना, पाँच का भी पेयर नहीं बना, तो तीन पच्चे पंद्रह रूट में ही लिख कर छोड़ देते। ये सब चीज़ आपको जानकारी के तौर पर रखना है। यहाँ तो सबका पेयर बन गया है, यहाँ तो सबका पेयर बन गया है। अब गुना कर दीजिए, सत्रह दुनी चौंतीस हो गया है और तीन दुनी छः हो गया है, और फिर चौंतीस में छः से छः चौक चौबीस के चार हासिल दो हो गया है, एंड छतरी अठारह आ दो बीस हो गया है, और अंतिम में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो यही हो गया प्यारे बच्चों आपका हीरोज फार्मूला का चर्चा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब तीनों भुजाएं उसका पता हो। तो याद रखिएगा कि हीरोज फार्मूला उसी केस में यूज करना चाहिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो 9th क्लास के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग हीरोज फार्मूला पे बना करके और चेक कर लीजिएगा। और 6 cm, 8 cm एंड 10 cm, ये तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं। इसका एरिया आप निकाल करके इसी डिजाइन से, मतलब हीरोज फार्मूला का यूज करके, और कमेंट में अपना आंसर लिख दीजिएगा। और मैं इधर से यस नो कर दूंगा, नो क्यों करूंगा, ये सही करूंगा। तो चलिए अब आप अच्छे से पढ़ते रहें और सर के वीडियो को देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।